है, इसकी जो जड़ें हैं अंदर से निकल जाएंगी, फिर हम इसको धूप में रखेंगे। अभी हम इसको धूप में नहीं रखेंगे, इस तरीके से ही टांग के रखेंगे। 2 दिन बाद इसमें हम थोड़ा पानी दे देंगे। वेलकम दोस्तों, मॉम्स किचन चैनल पे आपका स्वागत है। और आजकल मैं गार्डनिंग की तरफ थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, तो इसी पर्पस से मैं एक वीडियो डालने जा रही हूँ आपके लिए। फ्रेंड्स, जो पुदीना है उसी से मैं आपको नए सिरे से बॉटल में पुदीना लगाना सिखाऊंगी, कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये अपने गार्डन से ये पुदीना तोड़ा है। ये देखिए, ये रहा मेरे गार्डन में लगा हुआ पुदीना, ये देख सकते हैं आप, यहीं से मैंने कटिंग करी है। ये देखिए, इसमें था पुदीना मेरे लगा हुआ, इस वाले गमले से मैंने सारी कटिंग करी है। मेरे पास मैंने 3-4 पॉट्स में पुदीना काफ़ी सारा लगा रखा है, मैंने अभी इसकी कटिंग करी है, इसका वीडियो मैं आप दिखाती हूँ। तो मैं इसको कैसे करती हूँ देखेंगे आप। जैसे ये मैंने एक डंडी ली है, इसको मुझे क्या करना है, इसकी मुझे लीव्स अलग करनी है। किस तरीके से करेंगे ये देखेंगे, कि जैसे ही लीव्स है यहाँ से मुझे कट करना है, हल्का सा छोड़ते हुए ऐसे ऐसे मैं इसकी लीव्स सेपरेट कर लेती हूँ इस डंडी से। और ध्यान रखेंगे कि हमें इसको डंडी को लगाने के लिए हमें ये मोटी ही डंडी चाहिए, ज़्यादा बारीक पतली डंडियाँ होंगी वो काम नहीं करेंगी, वो सूख जाएगी, बेकार हो जाएगी। ये ऐसे ऐसे हम सभी लीव्स अलग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने पुदीना कटिंग किया था और उसमें से मैंने पत्तियां तो निकाल ली थी, लेकिन उसकी जो डंडियां हैं मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसको मैं इसमें कैसे ग्रो करती हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये एक पेचकस की मदद से मैं इसमें इसको गर्म करके अभी गर्म हो गया है, इसकी मदद से मैं इसमें 2-2 इंच का गैप देके ये देखिए ऐसे इतने बड़े बड़े होल बना लेती हूँ। अंदाज़ा देख लीजिए आप, 2 इंची का मतलब 2.25 इंची या 2.5 इंची, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ऐसे मैं पूरी बॉटल में होल बना दूंगी, ऐसे ये देखिए दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे 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 पूरी बॉटल में। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 से 1.5 इंची पे या आप 2 इंची पे जैसा आपको ठीक लगे ऐसे मैंने होल बना दिए हैं, ये देखिए ऊपर तक, और यहाँ भी मैंने दे दिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इसको हैंग करने के लिए मैंने इसके अंदर एक बड़ा सा होल बना देना है। सॉइल हम इसमें से डाल देंगे, और ये जो मैंने ये रस्सी है ये घर में मिल जाती है, ये मेरा आटा आता है उसमें से बनकर आता है, जो उसमें से निकाली है मैंने, आप इसमें ऐसे डाल के मैं दिखाती हूँ उसको। आप नोट लगा देंगे इसमें, यहाँ से नोट लगा दिया मैंने, निकलेगी नहीं ये, ऐसे अच्छे से ये देखिए ऐसे। अब इसको हम कहीं भी हैंग कर देंगे इजीली, तो ये इसमें सॉइल आ जाएगा, बाकी आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें हम इस बॉटल में इसमें ये भरते हैं मिट्टी। तो इसका जो रेशो लिया है मैंने लिया है 40%, तो मैंने लिए है ये मिट्टी गार्डन सॉइल जो होती है नॉर्मल, 30% मैंने लिया है, 20% है ये, ये देखिए ये मेरी है खाद गोबर वाली, गोबर की खाद है, और बाकी मैंने ये रेत लिया है। इन सबको मैं मिक्स कर देती हूँ, 30 से 40% का ये मैंने रेता लिया है, इसको मैं मिक्स कर देती हूँ सबको। मिक्स कर देते हैं, ये मिट्टी तैयार करते हैं ये फ्रेंड्स, ये मिक्सचर तैयार हो गया है हमारा। ये याद रहे आपको कि जो ये हैंगिंग वाले पॉट होते हैं इसमें हम बहुत हल्की सॉइल का यूज़ करते हैं, जिसमें रेता ज़्यादा होता है
और जो मिट्टी कम होती है। अगर आपको कोकोपीट आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसमें कोकोपीट भी डाल सकते हैं, जितना हल्का रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो अब मैं इसमें इसको भरती हूँ। इस बॉटल में हम ये इस मिक्सर को भरेंगे, भर के दिखाती हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, ये बोतल मैंने इसमें होल तो बना लिए थे, मिट्टी भी भर दिए है, बट मुझे इसमें मिट्टी डालने में बहुत दिक्कत हुई है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको यहाँ से कट कर लीजिए। जो परेशानी मुझे फेस करनी पड़ी है आपको ना हो, मेरे माइंड से ये स्किप हो गया था, पर ना इजी यही रहेगा कि आप यहाँ से कटिंग करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने चाकू गर्म कर लिया है गैस पे और इसकी मदद से मैं इसको कटिंग करना बताती हूँ आपको। ये देखिए, इतने हिस्से में से आप इसको कट कर लीजिए। कटिंग करके दिखाती हूँ मैं आपको अभी। ये देखिए, ये कटिंग हो गई है मेरे, इसको मैं अच्छे से निकाल देती हूँ। चाकू गर्म करके इसको मैं अच्छे से शेप, थोड़ा सा किनारे जो नुकीले हो रहे हैं ये लगे ना आपके, इसको हम बना देते हैं अच्छे से ऐसे। इसको ऐसे कर देंगे तो ये प्लास्टिक जो है कटी हुई ये लगेगी नहीं। और अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए हो गया, अभी लगेगा नहीं। और यहाँ से आप इजीली इसमें पानी दे सकते हैं आगे। और ये मैंने उसी डोरी को दो हिस्सों में कट कर लिया है। अब इसका मैं नोट बना के यहाँ से इसमें, यहाँ से एक, यहाँ से और एक यहाँ से इसको हैंग कर देती हूँ। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये दोनों सिरे मेरे आ गए हैं बाहर। ऐसे ही मैं इस तरफ भी डाल देती हूँ, इसके सामने सीध में यहाँ पर। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने डाल दिया है इधर। अब इधर मैंने एक गिठा लगा दिया ऐसे, मैंने सिंगल गिठा लगाई है। आप चाहे डबल भी कर सकते हैं इसको, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको देखना है इसका होल कितना है। ये देखिए, मैं अच्छे से खींच रही हूँ फिर भी ये बाहर नहीं आ रही। अगर आपको लगता है तो आप इसमें डबल लगा सकते हैं। ऐसे ही मैं इस तरफ लगा दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ मैंने गिठा लगा दी है और ये मेरा हैंगिंग पॉट तैयार है और ये काफ़ी अच्छा खासा वज़न ले सकता है। चलिए अब हम आपको इसमें पुदीने लगाना दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम वापस अपने टेरेस पे आ गए हैं। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। इसकी मिट्टी को आप अच्छे से गीला कर लेंगे। धीरे 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 आप इसमें पानी डालिए। ये देखिए, बॉटल में पानी नीचे जा रहा है धीरे धीरे। नीचे तक पूरी मिट्टी गीली हो जाएगी। ये देखिए, पूरी पानी चला गया नीचे तक, सॉइल गीली हो गई हमारी। अब ये जो मैंने पुदीने की निकाली थी डंडियाँ, मैंने दिखाया था आपको, ये ज़्यादा बड़ी है तो आप इसमें से दो कर लीजिए ऐसे। और ध्यान रखिए, डंडी थोड़ी मोटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं चलेगी और थोड़ी सी रेड होनी चाहिए। तो ये हम लगाते हैं, इतना हिस्सा आपका आधा इंची से एक इंची के बीच का अंदर जाना चाहिए ऐसे। तो मैं लगा लेती हूँ, अभी मेरे पास थोड़ी ही डंडियाँ हैं इसलिए मैं इसको थोड़ी दूर दूर लगा रही हूँ। जैसे जैसे पुदीना ग्रो होता रहेगा इसको मैं पास पास लगाती चले जाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये तैयार कर दिया है, ये देख सकते हैं आप, सब तरफ मैंने इसमें ये लगा दी है। अभी इसमें मैंने अच्छे से पानी दे दिया है, देखिए पूरी मिट्टी गीली है अच्छी तरीके से। अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पास से दिखा रही हूँ आपको। ज़्यादातर मैंने इसमें मोटी डंडियाँ लगाई हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ मोटी डंडियाँ कम थी, कुछ पतली डंडियाँ थी, मैंने वो भी लगा दी हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पर
मैंने बनाया है इस तरीके से है कि आप इसको हैंग भी कर सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं। तो अभी मैं इसको एक ऐसी जगह पे हैंग कर देती हूँ जहाँ पर धूप कम होगी। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर हैंग किया है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर धूप नहीं है बट अच्छी सी रोशनी है, सनी वो है, शेड है, ये देखिए। अभी 2 दिन तक इसमें हम पानी नहीं देंगे। और फ्रेंड्स इस तरीके से आप लगाएंगे तो 100% आपके पुदीना ढेर सारा आ जाएगा, खूब सारा। गर्मियों में तो अच्छे से ग्रो करता है। और 2 दिन बाद, 2 दिन बाद हम देखते हैं इसमें कुछ चेंज है या नहीं। अभी ये पत्तियां आई हैं, हो सकता है ये सूख जाएं, फिर नए सिरे से इसमें पत्तियां आएंगी नई नई। और फ्रेंड्स इसका अपडेट मैं आपको दिखाऊंगी। और एक मैंने पहले से ही बना के तैयार किया हुआ है, उसको दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने 1 महीना पहले बनाया था, उसमें अच्छे से पुदीना आ रहा है, दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये मैंने 1 महीना पहले लगाया था, कितना सारा इसके अंदर पुदीना आ रहा है, ये देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको इतने भरोसे के साथ कह रही हूँ कि ये पुदीना आपका ज़रूर आएगा, 100% आएगा। इसमें मैं हर, अभी ये मैंने धूप में रख दिया है क्योंकि अच्छे से ग्रो हो गया है ये। ये देखिए क्या बढ़िया पुदीना आ रहा है, ये अच्छे से ग्रो हो गया, इसको मैंने धूप में रखा है। हाँ इसको मैं 1 दिन छोड़ के, अभी मार्च की स्टार्टिंग है तो इसको मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन इसकी शावर कर, पानी का शावर लगा देती हूँ इसके ऊपर भी यहाँ पर, और अंदर भी पानी डाल देती हूँ। बस ये देखिए कि अंदर की जो मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी भी इसको नहीं देना है। और बहुत अच्छे से मेरा पुदीना देखिए कितनी बड़ी बड़ी लीव्स आई हुई हैं इसमें। तो बाकी मैंने ये इसमें भी लगा रखा है पुदीना, दिख रहा है आपको। और ये मैंने ये लगाया हुआ है, ये टूटा हुआ डब्बा था, इसमें मैंने पुदीना लगा दिया है और अच्छे से ग्रो कर रहा है। अभी मैंने 2 दिन पहले इसकी कटिंग करी है पुदीने की, और 2 दिन बाद देखिए कितना अच्छा हो गया। 2 दिन पहले मैंने बिल्कुल इसकी इतनी सी पत्तियाँ छोड़ी थी, बहुत छोटी छोटी जैसे ये हैं, और देखिए 2 दिन बाद कितना अच्छा आ गया है। फ्रेंड्स ये गर्मियों का मौसम पुदीनों का ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी पुदीना इसमें ग्रो होता है, बहुत अच्छे से फैलता है। यहाँ भी देखिए मैंने कितना पुदीना लगा रखा है, ये देखिए खूब अच्छा सा। मैंने अभी 2-3 दिन पहले सबकी कटिंग करी थी, और देखिए 2 दिन बाद की अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। सो फ्रेंड्स इसका अपडेट भी मैं आपको दे दूंगी। वैसे तो मैंने 1 महीने पहले का जो लगाया था वो मैंने आपको दिखाई दिया है कि कैसे अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसकी जो जड़ें हैं अंदर से निकल जाएंगी, फिर हम इसको धूप में रखेंगे। अभी हम इसको धूप में नहीं रखेंगे, इस तरीके से ही टांग के रखेंगे। 2 दिन बाद इसमें हम थोड़ा पानी दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।